अरे बच्चे सुनो, तुमको क्या परेशानी है? क्या बताएं बाबा, बताओ जो परेशानी तुम हमको बताओ। यार मैं कहाँ जाऊँ, घर जाऊँ तो घर के लोग अभी बोलेंगे, और कहाँ जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। नहीं तो ऐसा कोई टेंशन नहीं, चलिए हमारे बाबा है ना, वो सब सही कर देंगे, सब बाबा दुख दूर करेंगे आपका। चलिए चलिए बाबा का पैर पकड़िए, बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। खुश रहो, क्या परेशानी है बच्चा, बैठो बैठो, तुम्हारे चेहरे पे उदासी साफ साफ दिख रही है। हाँ कोई तो परेशानी है जो तुम्हें खाए जा रही है। बताओ, डरो मत, बाबा भोकंदड़ दास के पास आई हो, सारे दुखों का नाश हो जाएगा। क्या बताएं बाबा, एक लड़के से प्यार करते थे, प्यार का घाटा दे करके वो मुझे घर से भगा ले गया, अब यहाँ ला के छोड़ दिया है। अच्छा तो तुम्हारी चिंता की विषय और परेशानी ये है? हाँ? तुम चिंता मत करो बालक, बाबा भोकंदड़ दास के पास आई हो, बाबा दुखों को भोग करके दूर कर देते हैं, तभी तो हमारा नाम पड़ा है बाबा भोकंदड़ दास। बोलो बाबा भोकंदड़ दास की जय। हाँ जोर से बोलो बाबा भोकंदड़ दास की जय। बाबा का जोश और ऊर्जा दोनों बढ़ जाता है, तभी तो हमारा नाम पड़ा है बाबा भोकंदड़ दास की जय। बाबा भोकंदड़ दास की जय। जय। तुम चिंता मत करो, तुम बाबा के पास आ गई हो ना, बाबा का बस करामात देखते जाओ, आए बाबा क्या क्या करते हैं, तुम्हारे दुखों का नाश कर देंगे, और जो तुम्हारा लवर था ना लवर, ऐसा कर देंगे उल्टे पांव चल के आएगा, आए तुम्हारे पैरों पे गिर जाएगा, माफ़ी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन एक बात है बच्चा, आए तुम माफ़ मत करना, क्योंकि छलिया कभी भी छल कर सकते हैं, समझ गए ना? हाँ तो इस बात को, बाबा भोकंदड़ दास की बात को गांठ मार लो, ठीक है? हाँ ठीक है ना। आ देखो तुम आ गई हो, कुछ दिन हमारे साथ बिताओ, हाँ रहो हमारे साथ, तुम्हारे सारे दुखों का नाश कर दूंगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम चली जाना, ठीक है? हम छोड़वा देंगे तुमको, हाँ। आ चिंता किस बात की है, हाँ कि नहीं चला? हाँ बाबा एकदम सही है। बाबा भोकंदड़ दास के पास हो, आए बाबा तो दुखों को भोग करके दूर कर देते हैं, हाँ तभी तो हमारा नाम पड़ा है बाबा भोकंदड़ दास, हाँ ठीक है ना। हाँ तो बाबा जैसे कह रहे हैं, बाबा की बात को टालना मत, और बाबा के साथ कुछ दिन बिताओ, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, फिर तुम चली जाना, ठीक है? तो चलो आओ आओ, तुमको हम एक चीज दिखाते हैं, चला तुम यहीं बैठो, ठीक है बाबा। हम अपने गुप्त गुटिया में लेके जाते हैं, ठीक है बाबा। हम बच्ची को अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक है। बच्ची को क्या परेशानी है, ठीक है, देख लीजिए, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत परेशान है ना? अरे हम दुख सारा दूर कर देंगे तुम्हारा, समझ में आया? हाँ हम बाबा भोकंदड़ दास हैं, आओ 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 मेरे साथ चलो आओ, ठीक है बाबा, जाइए हम यहीं बैठे, तब तक तुम यही धोनी बिराजो, ठीक है, मैं देख करके आ रहा, आओ आओ आओ, हाँ जल्दी जल्दी आओ, तुम्हें किसी को देखना नहीं चाहिए, हाँ नहीं तो सब समझ जाओ, सब हमारा फिटनेस तो और बढ़िया है। आए ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ। अरे बाबा भोकंदड़ दास का यही तो मूल मंत्र है, आए बाबा भोकंदड़ दास के पास जो आता है आज तक कोई खाली नहीं गया है, तो तुम कैसे जाओगे बालक, सोचो सोचो, तो देखो देखते जाओ, आए हाँ हम सारा दुख तुम्हारा हर लेंगे, आए बस आँख को बंद करो और हम तुम्हारे दुखों का नाश कर देते हैं, हाँ चिपक जाओ। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, हम तो पता लगा रहे हैं, पता लगा रहे हैं, सही लगा, पता लगा रहे हैं तुम्हारे, तुम्हें कितना भारी दुख है, हाँ तुम्हारे दुखों का नाश कैसे करेंगे, हाँ ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे,
रहने दीजिए, हमको नहीं करवाना है। हाँ रहने दीजिए, हम ऐसे ही रहेंगे। अगर बाबा भोकंदर दास अगर तुम्हारा दुख नहीं नाश कर पाए तो समझ लो इस धरती पे कोई नहीं है तुम्हारा दुख नाश करने वाला। ऐसे ही नाश करेंगे आप, हमें तो लग रहा है कि आप कुछ और। अरे तो हम बाबा भोकंदर दास हैं, हम नाश तो इसी तरह करते हैं, हमारा काम ही है यही है। तुम आओ बाबा भोकंदर दास इस समस्या को हल करनी है, हल कर बाबा। बाबा भोकंदर दास।